टेलीविजन की क्वीन एकता कपूर को एक नहीं दो बड़े शो में लगा है बड़ा झटका। नागिन सीजन 6 ही नहीं एकता कपूर का ये भी सुपर नेचुरल शो होने जा रहा है चंद महीनों में ऑफ एयर। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। बिग बॉस सीजन 16 के एक्स कंटेस्टेंट शालीन भानोट का बेकाबू शो जिसपे खतरा मंडरा रहा है। वेल ये तो बातें पहले भी कही जा रही थी कि शालीन भानोट का शो आने वाले दिनों में ऑफ एयर हो जाएगा, लेकिन ये बातें किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि नागिन के साथ साथ ही पत्ता कट जाएगा बेकाबू का भी। नागिन सीजन 6 में एक बड़ा झटका लगा है एकता कपूर को। 9 जुलाई को ये शो ऑफ एयर होने जा रहा है मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है। अब टेली चक्कर की रिपोर्ट्स माने तो बेकाबू शो जो कि ईशा सिंह और शालीन भानोट का सुपर नेचुरल शो है, खराब टीआरपी रेटिंग के चलते शालीन भानोट का ये शो 9 जुलाई को ऑफ एयर होने जा रहा है। फिलहाल के लिए तो जब शालीन भानोट से ये सवाल पूछा गया, शालीन ने बिल्कुल ही इस रूमर्स को बेसलेस बताया और ये कहा कि उनका शो ऑफ एयर नहीं हो रहा है, वो शो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि शालीन का शो 9 जुलाई को ऑफ एयर हो जाएगा, इस शो का लास्ट एपिसोड शूट कर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपका क्या है ओपिनियन, क्या लगता है आपको, वाकई बेकाबू शो को थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए या फिर ये सही वक्त है कि बेकाबू शो को ऑफ एयर कर देना चाहिए? लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब